हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप आज देख रहे हैं साइंटोफिलिक बाय कुलदीप सोनी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन। हालांकि सेम कंटेंट को मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी अपलोड कर रखा था, लेकिन मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगातार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर ट्रिक को केवल अलग से बता दीजिए। तो ये ट्रिक ही नहीं, केवल एक तरह की सिट डाउन कॉमेडी भी है। आराम से लेट करके कॉमेडी का मजा भी लीजिए और एक दूसरा चैलेंज भी ले लीजिए कि आप इस अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन को 5 मिनट में पढ़ने के बाद जीवन में कभी भूल के दिखाइए तो जाने। ठीक है, तो स्टार्ट करते, थोड़ा कॉमेडी वाला आज मूड भी रहेगा, तो स्टार्ट करते हम लोग वीडियो को। अगर अमीनो एसिड की हम लोग बात करें तो अमीनो एसिड को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक नॉन पोलर और एक पोलर। जरा देख लेते हैं जनरल स्ट्रक्चर। अगर अमीनो एसिड की बात करते हैं तो उसमें एक अल्फा कार्बन होता है, एक जगह पर कार्बोक्सिलेट आयन होता है और दूसरी जगह पर अमोनियम आयन होता है। तीसरी वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है और चौथी वैलेंसी आर ग्रुप से सेटिस्फाई होती है। ग्लाइसिन के केस में यहाँ पर आर की जगह पर एच होता है, बाकी सारी अमीनो एसिड जो हैं वहाँ पर आर ही रहता है। आर वेरिएबल हो सकता है, आर नॉन पोलर भी हो सकता है, आर पोलर भी हो सकता है। अगर आर नॉन पोलर होगा तो ये भी 2 क्लासेस में हो सकता है। एक हो सकता है एलिफैटिक, जिसमें एक ओपन चेन रहेगी, और दूसरा एरोमेटिक होगा। अगर एरोमेटिक होगा तो वहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, एरोमेटिक में रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। पोलर की बात करते हैं तो पोलर भी 3 तरह की हो सकती हैं। एक न्यूट्रल हो सकती है, दूसरी एसिडिक होती है, तीसरी बेसिक होती है। न्यूट्रल में साइड में कोई चेन नहीं होता है। एसिडिक जो होती है आपको पता है एसिड H+ दे देता है, और अगर H+ दे देगा तो साइड में माइनस चार्ज ही बचेगा। और बेसिक जो होती है वो H+ लेता है, और अगर H+ लेगा तो साइड चेन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, थोड़ा सा बेसिक भी क्लियर होगा। जिनको ज़्यादा बेसिक देखना है वो फर्स्ट वीडियो को हमारे फॉलो कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं अच्छे से। शुरू कर देते हैं हम लोग बढ़िया। अब हम लोग पढ़ाई तो नहीं बोलेंगे, इसको सिट डाउन कॉमेडी बोल रहे हैं। ठीक है, तो एलिफैटिक का मतलब हो गया एलिफैटिक। अगर आपसे बोला जाए कि क्या, हाँ एक बात ज़रूरी है यहाँ पर कि ये ट्रिक एक ऐसी ट्रिक है जिसमें आपको ये नहीं याद रखना पड़ेगा कि वो ट्रिक किसकी थी, क्योंकि ज़्यादातर ट्रिक के साथ में ये रहता है कि ट्रिक तो याद हो जाती है लेकिन किसकी ट्रिक थी वो भूल गया एग्जाम तक। ठीक है, तो आप देखते हैं एलिफैटिक अमीनो एसिड की अगर हम लोग बात करें तो एलिफैटिक टर्म सुन के आप करके मन में क्या आता है, अल्फा आता है, बीटा आता है या गामा आता है? बिल्कुल अल्फा आता है। ठीक है, तो अल्फा की अगर हम लोग बात करें तो अगर एक अल्फा पर्सनालिटी के बारे में सोचे तो अल्फा पर्सनालिटी कौन है? MLA हैं। ठीक है, नेताजी जो हैं हमारे वो अल्फा पर्सनालिटी हैं, MLA जी बोलना चाहिए, और बहुत VIP होते हैं। ठीक है, तो बस हो गया MLA GVIP, कंप्लीट हो गए सारे अमीनो एसिड। इसमें M का मतलब हो गया मेथियोनिन, L का मतलब हो गया ल्यूसिन, A का मतलब हो गया एलेनिन, G का मतलब हो गया ग्लाइसिन, V का मतलब हो गया वैलिन, I का मतलब हो गया आइसोलिसिन, और P का प्रोलिन हो गया। ठीक है, एरोमेटिक की अगर हम लोग बात करें तो एरोमेटिक में कौन सी आती है अमीनो एसिड्स? एरोमेटिक में वही अमीनो एसिड आएंगे जिनके पास रिंग हो। तो रिंग आप लोग किसको पहनाओगे? तो रिंग किसको पहनाओगे? हस्बैंड वाइफ को, और वाइफ हस्बैंड को पहनाएगी। लीगल मैनर में बात हो रही है, बाकी तो बहुत रिंग पहनी गई वो अलग बात है। ठीक है, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड में कौन सी हो गई? WYF, वाइफ हो गया। तो वाइफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो W मतलब ट्रिप्टोफैन, Y मतलब टायरोसिन, और F मतलब फेनिललानिन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते थोड़ा और कॉमेडी कर लेते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड की अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में कौन है? एक हमारे बहुत ही भगवान है भैया क्रिकेट के, सचिन तेंदुलकर जी। अब वो क्रिकेट से न्यूट्रल हो चुके हैं, अब थोड़ा बहुत ऐड वेट कर रहे हैं और राज्यसभा में कभी कभी पहुंच जा रहे हैं, तो उस क्रिकेट से तो भैया न्यूट्रल हो चुके हैं। ठीक है, तो बस न्यूट्रल, उनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। अब पूछा जाए कि कौन सा अमीनो एसिड है जो न्यूट्रल रहती है, जिसकी साइड चेन में कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो वो हो गए आपके कौन? सचिन तेंदुलकर। एस मतलब सेरीन, सी मतलब सिस्टीन, एन मीन्स हो गया आपका एस्प्राजिन, टी का मतलब थ्रियोनिन, क्यू का मतलब ग्लूटामिन। जहाँ जहाँ पे स्टार है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादा जानना है तो फर्स्ट वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं मेरी। ठीक है, अच्छा दूसरी अगर हम लोग देखते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज आता है। आपका मन उदास कब होता है? जब आपको पैसा देना पड़ता है। उदास का मतलब निगेटिविटी आ जाती है आपके मन में, मार अपसेट हो गए पैसा देते समय। ठीक है, तो निगेटिविटी आ गई आपके पास, तो क्या हो गया? निगेटिव अमीनो एसिड्स कौन से हो गए? जब पैसा देना पड़ रहा है, दे DE, ठीक है पैसा दे तो DE, तो D का मतलब हो गया एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड भी बोल सकते हैं, और E का मतलब हो गया ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड बोल सकते हैं। बेसिक अमीनो एसिड मतलब हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज भैया हमको एक जो एक्टर है वो बड़ा पॉजिटिव चार्ज हर समय लगता है, वो है मेरे प्यारे ऋतिक रोशन महोदय, तो HRK हो गया ऋतिक रोशन। H का मतलब हिस मतलब हिस्टिडीन, R का मतलब आर्जिनिन, और K का मतलब हो गया लाइसिन। तो अगर आपको इस सिट डाउन कॉमेडी में मजा आया तो हमारी वीडियो को बिल्कुल वायरल ही कर दो, क्योंकि आगे भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग एक सिट डाउन कॉमेडी के फॉर्मेट में
पढ़ेंगे। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव व्यू में देना जानना है तो मेरी फर्स्ट वीडियो को देखें। अगर ऐसे ही मज़ेदार अंदाज में और कॉन्सेप्चुअली आपको रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ना है तो मेरी एक सेकंड वीडियो को देखें। तो अभी तो फिलहाल 3 वीडियो है, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक डाल दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और मज़ा आ रहा है तो लोगों को शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।